हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माणिक सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ, और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ईबुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्सरी पीरियड के बारे में, कि टर्सरी पीरियड में कौन सा कोयला आता है, कैसे कैसे बना था, कौन सा थ्योरी को ये फॉलो करता है, और कौन कौन से जगह पर टर्सरी पीरियड वाले कोल्स मिलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले का जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया का जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था परमेन पीरियड के बारे में, यानी गोंडवाना पीरियड के बारे में, कि गोंडवाना पीरियड में कोयला कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बना था। तो इसका आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में इस वीडियो को अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा उस वीडियो ख़त्म होते ही आई बटन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट पे बता देता हूँ कि दामोदर वैली वाला जितना भी नदी के किनारे कोयला मिलता था ड्रिफ्ट थ्योरी को ये फॉलो करता है, जैसे महानदी हो, दामोदर नदी हो, वर्धा नदी हो, वो सब बेसिकली गोंडवाना बेसिन का कोयला था। और भारत में ज़्यादातर कोयला 97% कोयला जो है वो गोंडवाना बेसिन का ही कोयला पाया जाता है। इसी में कोकिंग और नॉन कोकिंग पाया जाता है। बेसिकली अगर देखें तो इसमें जो कोयला है वो आपका बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट इसमें नहीं मिलता है। अब मैं बात करता हूँ टर्सरी पीरियड के बारे में। ये जो गोंडवाना वाला कोयला था वो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पे मिलता था। अब मैं बात करता हूँ टर्सरी पीरियड वाले कोयला के बारे में। तो टर्सरी पीरियड वाला जो कोयला है वो ईओसीन से लेकर के प्लियोग्योसीन, यानी कि जो आपका बहुत सारा ईरा होता है उस ईरा में टर्सरी पीरियड एक टर्सरी ईरा था, और उसमें अलग अलग पीरियड्स थे, उसमें से एक ईओसीन था स्टार्टिंग और प्लियोसीन था लास्ट। तो उस बीच में ये कोयला का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ करते थे उस टाइम में, कुछ डोमिनेंट वेजिटेशन वाले प्लांट हुआ करते थे, मतलब फूल वाले बहुत सारे पौधे हुआ करते थे, कुछ प्रिमिटिव हॉर्सेस हुआ करते थे, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। ये प्रिमिटिव हॉर्सेस यानी बहुत पहले टर्सरी पीरियड के टाइम का ये सब घोड़ा है। और एप्स की बात करें, जैसे एक स्पेशल टाइप का बंदर हुआ करता था जिसका नाम था एप्स, और फर्स्ट प्लेसेंटल एनिमल यानी जो धरती पे रहने वाले कुछ जीव है गिलहरी टाइप के, उस टाइप के जीव हुआ करते थे। तो ये सब जो जीव है इन जीवों में कुछ ऐसा जगह पे था टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण वो जितने भी जीव जंतु थे और डोमिनेंट वेजिटेशन थे, फ्लावरिंग प्लांट थे, वो सब धरती के अंदर में किसी कारण से चले गए। और तो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये सब जो जानवर थे वो धरती के अंदर में समाहित हो गए। देन उसके ऊपर में मिट्टी सेडिमेंट जमा होते गया, जिसके कारण पीट लिग्नाइट में धीरे धीरे चेंज होते होते ये कोयला बन गया। और ये जो कोयला है टर्सरी पीरियड का कोयला, आप लोग देखेंगे कि टर्सरी पीरियड का जो कोयला है वो 39,000 मिलियन ईयर एगो बना है, मतलब अगर देखा जाए तो 390 बिलियन साल पहले ये जो कोयला है वो बना है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो गोंडवाना पीरियड से पहले का कोयला है जो बना है, यानी जो नदी के किनारे जो कोयला नॉर्मली हम लोग को मिलता है दामोदर, वर्धा, ये सब रीजन में, तो ये सब कोयला से पहले टर्सरी पीरियड का कोयला बना है, जो कि बेसिकली आसाम में, नागालैंड में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, कच्छ, राजस्थान, इन जगहों पर बेसिकली जो कोयला मिलता है वो इसी पीरियड का कोयला मिलता है। और इसका यही है कि ये इंसिटू थ्योरी को सपोर्ट करता है। इंसिटू थ्योरी के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो पेड़ पौधा जानवर और कार्बोनेशियस मैटर हुआ करते थे वो उसी जगह पे जहाँ पे वो हुआ करते थे उसी जगह पे वो दब गए किसी भी तरीके से, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट और समथिंग एल्स लाइक भूकंप आ जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, उसके कारण वो वहीं धरती के नीचे दब गए। दबने के कारण सेडिमेंट धीरे धीरे जमा हुआ और टेम्परेचर प्रेशर के कारण एक लंबा टाइम में वो धीरे धीरे पीट में चेंज हुआ, देन वो लिग्नाइट में चेंज हुआ, देन वो बिटुमिनस में चेंज हुआ, देन वो इंथ्रासाइट वगैरह में चेंज हुआ। तो उसी को हम लोग कहते हैं इंसिटू थ्योरी। तो ये जो आपका टर्सरी पीरियड वाला कोयला दिखता है आपको वो इंसिटू थ्योरी को दिखाता है, इंसिटू थ्योरी को प्रूव करता है।
फॉर एग्जाम्पल आसाम में, नागालैंड में, मेघालय में जो कोयला आपको मिलता है, पहाड़ी इलाका का कोयला, वो बेसिकली इन सिटी थ्योरी से बना हुआ कोयला होता है। इसमें जो पाया जाता है टर्सरी पीरियड में जो कोयला पाया जाता है वो आपका एंथ्रासाइट और लिग्नाइट पाया जाता है। इसमें नॉर्मली बिटुमिनस हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है और पीट तो नहीं मिलता है। लिग्नाइट भी आपका स्पेशल जगहों में, जैसे कि कच्छ की बात करें, राजस्थान की बात करें, और नवेली जो तमिलनाडु में है, एक कंपनी भी NLC करके, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इन जगहों पे टर्सरी पीरियड का कोयला मिलता है। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या स्पेशल किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।